जूनी कामठी थाना अंतर्गत कना नदी के पुल पर एक भीषण हादसा सामने आया। इस घटना में 6 जवान और ऑटो चालक गंभीर रूप से घायल हो गए। कुछ सैन्य कर्मियों की मौत हो गई है। मृतकों में विघ्नेश और धीरज रॉय शामिल है। प्राप्त जानकारी के अनुसार कामठी स्थित गार्ड रेजिमेंट ट्रेनिंग सेंटर के 15 जवान सामान खरीदने के लिए कन्हान गए थे। खरीदारी कर वे दो ऑटो रिक्शा में प्रशिक्षण केंद्र लौट रहे थे। उनमें से एक ऑटो और नागपुर से सिवनी जा रही पवन ट्रैवल्स कंपनी की बस के बीच कन्हान नदी के पुल पर टक्कर हो गई। हादसे में ऑटो में सवार सैन्य कर्मी कुमार पी, शेखर जाधव, पी मुर्गन, अरविंद कुमार, दीप प्रधान, विघ्नेश नाभारत्नम, धीरज रॉय और चालक शंकर मिठुलाल खरगबान गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिसके बाद इलाज के दौरान कुछ सैन्य कर्मियों की मौत हो गई है। देखिए, कल शाम को मतलब 16 तारीख को कल शाम को शाम के 5 बजे से लेकर 5:30 के बीच में कामठी और कनान के बीच में जो कनान रिवर पे ब्रिज है वहाँ पे कनान की तरफ से कामठी की ओर आते हुए एक ऑटो रिक्शा में एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर और उनके साथ 8 आर्मी के जवान थे, जो कि यहाँ पे अपने आर्मी कैंट है GRC वहाँ पे मिड सर्विस ट्रेनिंग के लिए आए हुए थे। वो ऑलरेडी सर्विस में थे लेकिन 3 महीने का उनका रिफ्रेशर कोर्स था, इसलिए यहाँ पे आए हुए थे। तो वो कामठी की तरफ आ रहे थे और कनान की तरफ एक ट्रैवल प्राइवेट ट्रैवल बस जा रही थी, तो पुल पे इन दोनों के बीच में हेड कोलिजन हुआ है। तो इसमें 9 लोग जख्मी हुए थे कल, उसमें से 2 लोगों की अभी तक मृत्यु हुई है। एक जवान जो थे वो ब्रॉड डेड करके उनको घोषित किया गया मेयो हॉस्पिटल में, और दूसरे एक जवान थे उनके ट्रीटमेंट के दौरान GMC में मृत्यु हुई है। बाकी और 3 जो जवान है वो क्रिटिकल है, उसमें से 2 GMC में है और एक आशा हॉस्पिटल में है, और जो बाकी लोग हैं वो अभी आउट ऑफ डेंजर है और स्टेबल है। नहीं, ये अग्निवीर के जवान नहीं थे, ताकि ये लोग 5 साल पहले बड़ा बड़ा भर्ती हुए हैं। ये ड्राइवर्स थे, अलग अलग यूनिट्स में तैनात थे ऑल ओवर इंडिया। यहाँ पे अपने GRC सेंटर में उनका एक रिफ्रेशर कोर्स था, इसलिए वो फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया यहाँ पे 3 महीने के कोर्स के लिए आए हुए थे, और कल संडे होने के कारण वो आउट पास लेके वो बाहर मार्केट में शॉपिंग के लिए गए हुए थे। देखिए, अभी तो मतलब जो ब्रिज है वो कंजेस्टेड रूट है, वहाँ पे सिंगल लेन है, लेफ्ट और राइट दोनों के लिए एक एक ही लेन है, और जिस तरह से घटनास्थल का ऑब्जर्वेशन किया गया उससे अभी क्लियर नहीं हो रहा है कि क्या हुआ रहेगा, लेकिन बड़ा बड़ा ऐसे समझ में आ रहा है कि रास्ते के बीचों बीच कोलिजन हुआ है, उसके बाद फिर ऑटो रिक्शा और बस दोनों रास्ते के थोड़े साइड में गए हैं, तो वो इन्वेस्टिगेशन के बाद वो सब क्लियर होगा। नहीं, अभी तक तो मतलब ट्रैवल बस में जो कोई लोग थे या ड्राइवर थे उनको बिल्कुल भी कुछ इंजरीज नहीं है। ड्राइवर कल ही अपने कस्टडी में था, कल रात को हमने इसमें ऑफेंस भी रजिस्टर किया है 304A IPC के तहत। टक्कर इतनी जोरदार थी कि ऑटो रिक्शा बस के सामने के हिस्से में फंस गई और ऑटो के परखच्चे उड़ गए। कन्हान से आई एम्बुलेंस ने तत्परता दिखाते हुए गंभीर घायलों को अस्पताल पहुंचाया। जूनी कामठी पुलिस ने बस चालक मधुकर विठल राव काले के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया है। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ प्रकाश रुंखलवार, BCN न्यूज़, नागपुर।